जांच एजेंसियों का दावा है कि मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गोल्डी बराड़ के दो डुप्लीकेट लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चला रहे हैं। मतलब ये कि लॉरेंस गैंग की कमान दो नकली गोल्डी बराड़ के पास है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही असली गोल्डी बराड़ पर जांच एजेंसियों की नजर टेढ़ी हो चुकी है। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि पकड़े जाने के डर से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अंडरग्राउंड हो गया है। वो कनाडा में सुरक्षा एजेंसियों से छिपता फिर रहा है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों से गोल्डी बराड़ को बचाने के लिए लॉरेंस ने ही उसे अंडरग्राउंड कराया है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का रुतबा कम न हो और गैंग पहले जैसा मजबूत बना रहे, इसके लिए गैंग ने गोल्डी बराड़ के दो डुप्लीकेट या यूं कहें कि दो नकली गोल्डी बराड़ उतार दिए, जो पहले की तरह गैंग के सारे काम देख रहे हैं। असल में डुप्लीकेट उतारने के पीछे गोल्डी बराड़ का डर बताया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मूसेवाला हत्याकांड के बाद से कनाडा में पंजाब के रहने वाले लोग गोल्डी बराड़ से काफी नाराज हैं। लोग इस कदर भड़के हुए हैं कि कुछ रोज पहले ही वहां गोल्डी बराड़ के दो हमशक्लों की लोगों ने पिटाई कर दी थी। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि कनाडा में पिटाई की इन दो घटनाओं की वजह से गोल्डी बराड़ घबराया हुआ है। उसे न सिर्फ जांच एजेंसियों से पकड़े जाने का डर है, बल्कि वो इस बात से भी डरा हुआ है कि कहीं कनाडा में घूम रहे दूसरे गैंग के लोग उसका काम तमाम न कर दें। मतलब ये कि गोल्डी बराड़ को कनाडा में दोहरा खतरा सता रहा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद गोल्डी बराड़ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां नहीं बल्कि कई गैंग्स की भी हिट लिस्ट में है। इनमें सबसे पहला है बम्बीहा गैंग, इसके अलावा नीरज बवाना गैंग, गैंगस्टर भूपी राणा, गैंगस्टर कौशल चौधरी और टिल्लू ताजपुरिया समेत कई दूसरे गैंग भी उसके पीछे पड़े हुए हैं, जो मूसेवाला के कत्ल का बदला लेना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने गुर्गे हैं, उतने ही उसके विरोधी गैंग के भी गुर्गे वहां घूम रहे हैं, जो मौका मिलते ही गोल्डी बराड़ को मौत के घाट उतारने की फिराक में। और इसी वजह से गोल्डी ने अपने सभी मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं। उसके करीब रहने वालों के भी मोबाइल स्विच ऑफ हो चुके हैं। माना जा रहा है कि लॉरेंस गैंग के गुर्गों का मनोबल कमजोर ना हो और दूसरे गैंग उस पर हावी ना हो, इसके लिए लॉरेंस ने एक प्लान तैयार किया है और उसी प्लान के तहत ही दो नकली गोल्डी बराड़ तैयार किए गए हैं। सूत्रों की माने तो दोनों नकली गोल्डी बराड़ असली की आवाज में न सिर्फ गैंग के सदस्यों से बात कर रहे हैं बल्कि उगाही और रंगदारी के कारोबार को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक लग चुकी है और उन्होंने गैंगस्टर गोल्डी के साथ दोनों डमी गोल्डी बराड़ की भी तलाश